हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शुभम सिंघानिया और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप किस तरह यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 2 की तैयारी करें ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट जेआरएफ क्लियर कर पाएँ। तो दोस्तों, बहुत सी बार आपने अपने दोस्तों से बात करते हुए सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका नेट जेआरएफ क्लियर नहीं हो पाता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 1 महीने में ही सीधे जेआरएफ क्लियर कर लेते हैं। तो आज मैं आपसे कुछ स्ट्रैटेजी, कुछ टिप्स, कुछ ऐसे एलिमेंट्स डिस्कस करने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे नेट जेआरएफ क्लियर करने के। तो प्लीज़ इन सारे टिप्स को ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और फॉलो करने की कोशिश करिएगा। तो मैंने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि आप किस तरह से प्लान, एग्जीक्यूशन और फाइनली पास्ट ईयर्स लगाएं ताकि आप एक अटेम्प्ट में अपना नेट जेआरएफ क्लियर कर पाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलेबस की। गाइज, सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आप सबसे पहले यूजीसी नेट की वेबसाइट से अपना सिलेबस डाउनलोड करें, चाहे आपके किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो कॉमर्स हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो एंथ्रोपोलॉजी हो, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3 से 4 बार उस स्ट्रैटेजी को, उस सिलेबस को इतनी बार पढ़ लें जैसे आप अपनी बुक्स को पढ़ते हैं। अगर आपने सारा सिलेबस ध्यान से पढ़ा हुआ होगा, एक एक एलिमेंट को गो थ्रू किया हुआ होगा, तो आपको तैयारी करते टाइम किसी भी ऐसे टॉपिक पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा जो सिलेबस का पार्ट नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसी चीज़ों की तैयारी कर लेते हैं जो फाइनली सिलेबस का पार्ट होता ही नहीं है। तो सबसे पहले हमें सिलेबस की बिल्कुल थॉरो क्लैरिटी होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आते हैं बुक्स पे। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप यूजीसी सर्टिफाइड बुक्स रिफ़र करें और जहाँ तक हो सके उन बुक्स को रिफ़र करें जो आपने पहले पढ़ी हुई है। हमने बहुत सारी बुक्स ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में यूज़ करी होती है, और क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट्स भी वही हैं जो आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़े हुए हैं जो कि नेट जेआरएफ में आते हैं। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि उन्हीं बुक्स को पढ़ें। उन बुक्स को पढ़ने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला, उन बुक्स का सेटअप कैसा है, स्ट्रक्चर कैसा है, ये आपको पहले से पता होता है। दूसरी बात, जब हम पहले यूज़ की हुई बुक्स को दोबारा यूज़ करते हैं तो हमें उन कंसेप्ट को ग्रैप करने में आसानी होती है। उसका रीज़न ये है कि जो उसमें वर्ड्स, जो लैंग्वेज यूज़ की होती है, उससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। तो जितना ज़्यादा कोशिश करें कि अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स ही यूज़ करें। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में अच्छा क्वालिटी मटेरियल नहीं यूज़ किया है, अच्छा कंटेंट नहीं यूज़ किया है, तो प्लीज़ उसे रिफर ना करें, अच्छा कंटेंट उठाएं। जब तक आपके पास अच्छी बुक्स नहीं होगी, आप अच्छे से कंसेप्ट नहीं ग्रैप कर पाएंगे, एनालाइज नहीं कर पाएंगे, और फिर आप क्वेश्चंस गलत अटेम्प्ट करेंगे। तो प्लीज़ मेरी यही रिकमेंडेशन है कि अच्छे से अच्छी बुक्स रिफ़र करें। अब बात करते हैं कि हमें पढ़ाई शुरू कैसे करनी है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क पहले क्या है, हमें पता करना ये ज़रूरी है कि हम जो पेपर अटेम्प्ट करने वाले हैं, नेट जेआरएफ का पेपर, उसमें कितना लेवल आता है, किस टॉपिक से क्या लेवल पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि रिसेंटली पास्ट ईयर्स के 2 पेपर्स उठाने हैं और उनको डेडिकेटेडली सॉल्व कर देना है। अब मैंने क्यों रिसेंट के 2 ईयर्स के पेपर उठाए हैं, ताकि आप करंट लेवल, करंट क्या लेवल चल रहा है नेट जेआरएफ में, किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, ये देख सकें। इन 2 पेपर्स को बिल्कुल डेडिकेटेडली बैठ के सॉल्व करना है, बिना इधर उधर देखे, बिना चीट किए। और जब हम इन्हें चेक कर लेंगे तो इन पेपर्स को चेक करके हमारा पर्पस क्या है कि हम इससे आपके कौन से सब्जेक्ट्स आपकी स्ट्रेंथ हैं और कौन से सब्जेक्ट्स आपकी वीकनेस है, हम ये पता करना चाहते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बनाई है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक बार जब आप अपने ये 2 पेपर्स अटेम्प्ट कर लें और आप चेक कर लें, तो जब आप चेक कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को, जो भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, चाहे वो सही हुए हों चाहे वो गलत हुए हों, उनको 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी आप क्या बनाएंगे, करेक्ट एंड नो इट, मतलब जो ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके सही भी हुए हैं और आपको आते भी हैं, इन क्वेश्चंस के सामने छोटा सा एक स्टार मार्क करते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं बट आपने उसमें गेस किया था, तो अगर आपने गेस किया था तो आप उसमें 2 स्टार्स मार्क कर लें। थर्ड, गलत है एंड आप उस क्वेश्चन के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, बिल्कुल वो टॉपिक से अनजान है, बिल्कुल नया टॉपिक है, तो एक बड़ा सा सर्कल बना लें उस क्वेश्चन के साइड में। फोर्थ, गलत है लेकिन आपने सिली मिस्टेक करी है, मतलब आपको याद नहीं था, आपने टॉपिक भी पढ़ा हुआ है बट कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से, कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से अगर आपने वो क्वेश्चन गलत किया है, तो आप उसमें 2 सर्कल्स बना लें। 4 कैटेगरीज हो गई। 5वीं कैटेगरी हमारी कि आप को वो टॉपिक पढ़ा हुआ था बट आप किन्हीं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज थे। कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पे हम फाइनली 2 ऑप्शंस एलिमिनेट कर लेते हैं बट फाइनली 2 ऑप्शंस में जाके हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो आप उसके आगे स्क्वायर मार्क कर लें। तो इस तरीके से पहले, सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चंस को, जो हमारे सही हुए या गलत हुए इन 2 पास्ट ईयर्स पेपर्स को सॉल्व करके, इनको इन 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर लिया। अब इन सेगमेंट्स में डिवाइड करने का रीज़न क्या है, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, जिस भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी टॉपिक के हों, गलत हुए हों, तो हम उस टॉपिक में कहाँ लाई करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस के बेसिस पे अपने सब्जेक्ट्स को, अपने टॉपिक्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेंगे, डेट इज़ इजी, मीडियम एंड हार्ड।
तो हमारा काम है कैटेगरीज बनाना। अब ऑब्वियस ही बात है कि जो टॉपिक में आपको लगता है कि आपने सबसे अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और आपको आते भी थे, वो इजी का पार्ट बन जाएंगे। जहां लगता है आपको कि आपके काफ़ी क्वेश्चन सही भी थे और कुछ आपने गेस किया था, वो मीडियम सब्जेक्ट्स का पार्ट बन जाएंगे। और जो ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपने सिली मिस्टेक्स करी थी या आपको बिल्कुल नहीं आते थे, जिस सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे गलत होंगे, वो आपके हार्ड सब्जेक्ट्स के पार्ट बन जाएंगे। तो आपने सबसे पहले अपने टोटल सिलेबस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेना है सब्जेक्ट्स के बेस पे, इजी, मीडियम एंड हार्ड। नेक्स्ट, अब आते हैं प्लानिंग पे, हमारे छोटे छोटे टारगेट्स बनाने। जब तक आप छोटे छोटे टारगेट्स नहीं बनाएंगे, प्लान नहीं करेंगे, हम क्लियरली अचीव नहीं कर पाएंगे अपना टारगेट। तो हमने क्या करना है कि हमें अपने सब्जेक्ट्स को छोटे छोटे फॉर्म्स में डिवाइड कर लेना है। अब हम डिवाइड कैसे करेंगे, हमें एक ऑर्डर बना लेना है कि हम किस पैटर्न में या क्या पैटर्न फॉलो करेंगे, क्या ऑर्डर फॉलो करेंगे अपने सब्जेक्ट्स को पढ़ने का। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप इजी से स्टार्ट करें, फिर आप मीडियम पे जाएं एंड देन हार्ड पे जाएं। आप एक छोटे छोटे टारगेट बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने 3 दिन की स्ट्रैटेजी बनाई है कि आप कोई भी सब्जेक्ट उठाएं, एक साथ 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा ना उठाएं। जो थोड़े लोग कंफर्टेबल नहीं है वो एक साथ एक सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं, बट अगर आप 2 सब्जेक्ट उठा रहे हैं तो आप ऐसा कॉम्बिनेशन बनाएं कि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो एंड एक थ्योरी सब्जेक्ट हो। इस तरीके से आप बोर भी नहीं होंगे और आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो एक बार जब आपने 2 सब्जेक्ट्स उठा लिए साथ में, तो आप पर सब्जेक्ट टारगेट 3 डेज का लेके चलें, जिसमें 2 दिन आप सारा का सारा फोकस पढ़ने में, कंसेप्ट पे फोकस करें, और तीसरा जो दिन है उसको उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाने में यूटिलाइज करेंगे। इस तरीके से आपको साथ ही साथ पता भी चलता रहेगा कि जो भी आपने कंसेप्ट समझे हैं उनमें आपको क्लैरिटी आ रही है कि नहीं, कि आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं कि नहीं। इसी तरीके से जब आपके इजी सब्जेक्ट्स के टॉपिक हो जाएंगे तो आप मीडियम पे मूव ऑन कर सकते हैं, और जब आपके मीडियम सब्जेक्ट्स के टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो आप हार्ड पे जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट्स को प्लान कर सकते हैं। छोटे टारगेट्स बनाना और उन पे अमल करना इतना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जैसे जैसे आप छोटे छोटे टारगेट्स बना के उन्हें अचीव करते जाएंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करता जाएगा। गाइज, यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पॉइंट आउट करूंगा कि वो जो 3 घंटे का पेपर होता है, चाहे वो पेपर 2 हो या पेपर 1 हो, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जिस चीज़ की होती है वो होता है आपका कॉन्फिडेंस। अगर आपका कॉन्फिडेंस डगमगा गया है, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है पेपर अटेम्प्ट करने में, तो आप आते हुए भी क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो यहाँ पे हमारी यही कोशिश है कि छोटे छोटे जिस तरीके से टॉपिक्स और सब्जेक्ट्स आपके ईजी टू हार्ड कवर होते जाएंगे, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता जाएगा, और आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करता जाएगा तो आप खुद देखेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन अपने आप सही कर रहे हैं। अब बात करते हैं एग्जीक्यूशन की। तो हमने प्लानिंग कर ली है, अब आते हैं एग्जीक्यूशन पे। तो मैंने एग्जीक्यूशन के लिए आपको स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ। आप क्या कर सकते हैं कि आप डे में 7 to 8 आवर्स की स्टडी का प्लान करें। इसको एक स्ट्रेच में ना करके कुछ 3 से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। 2-2 घंटे के 4 शिफ्ट बना सकते हैं, 2-2 शिफ्ट 3 घंटे के, और 1-2 घंटे का शिफ्ट बना सकते हैं। इसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक स्ट्रेच पे 45 मिनट से ज़्यादा 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ाई ना करें, बिकॉज 45 मिनट्स के बाद हमारी रिटेंशन पावर, हमारी कॉन्सेंट्रेशन पावर खत्म हो जाती है। तो 45 मिनट पढ़ने के बाद एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लें। इसमें आप आराम कर सकते हैं, नैप ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं या म्यूजिक सुन सकते हैं। मैं आपको फोन यूज करने की सलाह नहीं देता, बिकॉज एक बार अगर हम फोन छूते हैं तो हमारा ध्यान उसी में लगा रहता है। इसके बाद अगर आप पढ़ाई अपनी शुरू भी कर लेंगे तो आपका ध्यान उन्हीं पुराने व्हाट्सएप मैसेजेस में और क्या बातें चल रही थी व्हाट्सएप ग्रुप पे, इस पे लगा रहेगा। तो प्लीज उस गैप में आप फोन ना छूएं। मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप 7 से 8 आवर्स फॉलो करते हैं तो आप अपना पेपर 2 का सिलेबस 1 महीने के अंदर पूरा खत्म कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारे 10 सब्जेक्ट्स हैं पेपर 2 में और हमने 3 डेज का टारगेट बनाया है, 2 दिन कॉन्सेप्ट्स के लिए और 1 दिन क्वेश्चंस के लिए, तो आप बहुत आराम से 30 से 35 दिन के अंदर अपने पेपर 2 का सिलेबस कवर कर सकते हैं, एंड सिमिलरली पेपर 1 का भी सिलेबस खत्म कर सकते हैं। अब आते हैं सब्जेक्ट्स पे ध्यान देने के लिए। तो ध्यान देने के लिए हमें क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको कहा कि आप 2 सब्जेक्ट्स उठा सकते हैं, एक थ्योरी सब्जेक्ट रख सकते हैं और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रख सकते हैं। प्लीज़ मेरी यहाँ रिकमेंडेशन है कि जो भी आपने क्वेश्चंस पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के बेसिस पे कैटेगराइजेशन किया है इजी, मीडियम और हार्ड का, प्लीज़ इसे मिक्स ना करें। अगर आप इसे मिक्स करेंगे तो आपको बहुत कन्फ्यूजन होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। तो प्लीज़ ऐसे ही फॉलो करें। नेक्स्ट, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि एक बार जब आपने अपना पूरा टॉपिक तैयार कर लिया है तो आपको मॉक्स किस तरह देना है। अब जनरली हमारी टेंडेंसी या हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहती है कि हम पास्ट ईयर सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, एंड जैसे जैसे हम पास्ट ईयर सॉल्व करते हैं हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमारे ओवरऑल स्कोर पे रहता है। हम अपना ओवरऑल स्कोर देख लेते हैं, अगर हमारे हमें सेटिस्फैक्ट्री लगता है तो हम नेक्स्ट पास्ट ईयर की तरफ बढ़ जाते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है जो हमें नहीं करनी है, यहीं पे हमारी सबसे ज़्यादा गलती होती है और जिसकी वजह से हमें खामियाजा भुगतना पड़ता है अपने अच्छे मार्क्स ना लाने की वजह से। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस तरह से मॉक्स लेने हैं। सबसे पहले तो हम अपने मॉक्स पीछे से शुरू करेंगे, दैट इज जो सबसे पुराने पेपर्स हैं, दैट इज से
लेट अस से 10 साल पुराने पेपर्स। मैं बहुत ज़्यादा पुराने पेपर्स रिकमेंड नहीं करता बिकॉज सिलेबस में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है और आप पैटर्न भी नहीं फॉलो कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा पुराने पेपर नहीं, बल्कि 10 साल के पेपर्स बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है। 10 साल के पेपर्स मतलब आपको अप्रॉक्सीमेटली 20 past years पेपर मिल गए हैं जो कि सफिशिएंट है। तो आप पीछे से स्टार्ट करें और एक पेपर सॉल्व करने के बाद उसे जस्ट उसका स्कोर देखकर उसे छोड़ ना दें। मेरी क्या स्ट्रैटेजी है कि दोबारा आप जिस तरह से आपने मार्किंग बनाई थी अपने सब्जेक्ट्स को 5 categories में डिवाइड करें सर्कल्स और स्टार मार्क्स करके, और उनको सॉल्व करने के बाद सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं बल्कि उनके ऑप्शंस को भी देखें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी भी क्वेश्चन में जो 4 options होते हैं उनमें से 2 ऐसे options होते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता होता या बहुत ब्रीफली पता होता है, और हम तो हमें इन टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, हमें इन ऑप्शंस को छोड़ना नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि जो ये टॉपिक्स आज आप छोड़ दें या जो ऑप्शंस आज आप छोड़ दें यही आगे चल के और क्वेश्चंस में फ्रेम आउट होंगे और क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से बनाए जाएंगे। तो हमें क्वेश्चन को भी एनालाइज करना है और साथ ही साथ सारे ऑप्शंस को एनालाइज करना है। जब आप ऐसे करने की कोशिश करेंगे, जब आप पहले पास्ट ईयर पेपर को सॉल्व करने के बाद ये करेंगे, तो आप खुद महसूस करेंगे कि कितने ऐसे नए टॉपिक्स थे जो आपको नहीं पता था, जिनके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं थी, बट उनको पढ़ने के बाद आपको कितनी नई चीज़ों के बारे में पता चला। इसी तरीके से जब आप कुछ पेपर्स लगा लेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि वो जो टॉपिक्स आपने पढ़े थे उसकी वजह से कई फ्यूचर में आने वाले क्वेश्चंस आपके सही होते जा रहे हैं। तो इसीलिए सिर्फ और सिर्फ पास्ट ईयर्स को सॉल्व नहीं करना बल्कि उसके क्वेश्चंस और सारे के सारे ऑप्शंस पे ध्यान देना है, सारे ऑप्शंस को थॉरली रिसर्च करके पढ़ना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस और पास्ट ईयर्स लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप सारे कंसेप्ट्स को एनालाइज ना कर लें, सारे कंसेप्ट्स को ठीक तरीके से समझ ना लें। तो ये स्ट्रैटेजी हमें फॉलो करनी है। दूसरा, एक 5 पेपर की सेट की स्ट्रैटेजी बनाइए कि जब आपने एक बार 5 papers एग्जामिन कर लिए हैं, 5 papers अटेम्प्ट कर लिए हैं पास्ट ईयर्स पेपर्स, और उन 5 जो हमने कैटेगराइज किए थे, 5 markings करनी थी जहां हमें सर्कल्स और स्टार्स बनाने थे, उन सर्कल्स और स्टार्स के बेस पे आप ये भी आइडेंटिफाई करें कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी रेगुलरली आपके क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे रेगुलरली ज़्यादा गलत होते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे केस में मैंने नेट GRF कॉमर्स से दिया था तो मेरे स्टैट्स के क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते थे। तो अब ये नहीं है कि हमें स्टैट्स पर ध्यान नहीं देना, हमने एक बार 5 papers लगा ली हैं, 5 papers में अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि हमारे स्टैट्स से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आगे बढ़ने से पहले हमें रुकना है, हमें स्टैट्स के लिए पढ़ाई करनी है, स्टैट्स के कंसेप्ट लगाने हैं, फिर स्टैट्स के क्वेश्चंस लगाने हैं, और जब हमें लगता है कि हम स्टैट्स के कंसेप्ट पे कॉन्फिडेंट हो गए हैं देन हमें आगे बढ़ के दोबारा पास्ट ईयर्स पेपर्स लगाने शुरू करने हैं। अगर हम सिर्फ पास्ट ईयर्स पेपर लगाते जाते हैं और क्वेश्चन नहीं सॉल्व करते या अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव नहीं करते तो वो लॉन्ग टर्म में कोई बेनिफिट नहीं देता है। सिर्फ हमें अपना स्कोर नहीं बढ़ाना है बल्कि हमें अपने कंसेप्ट भी ठीक करने हैं ताकि हम फाइनली जाके नेट GRF क्लियर कर पाएँ। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप 5 sets में तैयारी करें, 5 sets लगाएं पास्ट ईयर पेपर्स के, और जो भी वीक एरियाज हैं पहले उसको इम्प्रूव करें। अब फाइनली मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि ये आप स्ट्रैटेजी अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो आप 1 महीने में अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके 10 subjects हैं और आप उसमें 2 दिन पढ़ने में लगाते हैं, कंसेप्ट के बारे में जानने में लगाते हैं और 1 दिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तो आप 30 दिन में बहुत आराम से paper 2 का सिलेबस खत्म कर सकते हैं। इसके बाद आप 1 month का टाइम अपने पास रख सकते हैं पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस लगाने में। जब आप पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस लगाएं दोबारा वही स्ट्रैटेजी फॉलो करें कि 5 categories में डिवाइड कर लिया सब्जेक्ट्स को डिवाइड करने के बाद 5 categories में आप अन्य आइडेंटिफाई कर लिया कि क्या क्या आपके कौन कौन से टॉपिक्स वीक हैं, और 5 sets के अंदर 5 sets के अंदर जब आप लगाएंगे तो जो भी आपका वीक सब्जेक्ट निकल के आ रहा है उसके उस पर दोबारा पढ़ाई करें एंड फिर आगे बढ़ें। अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत आराम से नेट GRF क्लियर कर पाएंगे। सो आपको ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल फॉलो करनी चाहिए। टिल देन मुझे लगता है कि आप अपनी पढ़ाई अच्छे से शुरू करिए। वी विल बी कमिंग विद द नेक्स्ट वीडियो जहाँ पे हम पेपर 1 की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन थैंक यू।